नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव कर्नाटक में जीत गई है। इसका असर सीधे तौर पर बिहार की सियासत पे हो रहा है, खास करके महागठबंधन में। जी हां, खबर अब ये आ रही है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस विस्तार को लेकर खास बात ये है कि इसमें अब कांग्रेस की हिस्सेदारी पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको सबसे पहले ये बताते हैं। हाल में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनका जो बयान आया उससे कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। इधर सियासी जानकार मानते हैं कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत का असर बिहार के कैबिनेट विस्तार पर पड़ेगा। बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी यह बात कही है कि यदि कैबिनेट विस्तार होता है तो उच्च जाति के उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उच्च जाति के दो मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद कोटा खाली हो गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राज्य में बनने वाले विभिन्न आयोगों और बोर्डों में उनकी पार्टी की उचित हिस्सेदारी होगी। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट में दो मंत्री पद के सीट खाली हैं और ऐसे में देखिए इसी की हिस्सेदारी को लेकर चर्चा भी हो रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब इस हिस्सेदारी की दावेदारी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि राजद के दो पूर्व मंत्रियों कार्तिकेय सिंह, जिन्हें कानून मंत्री बनाया गया था लेकिन शपथ लेने के लगभग एक पखवाड़े बाद इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा अध्यक्ष ने सुधाकर सिंह का उदाहरण दिया है, जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया और पदभार ग्रहण करने के लगभग डेढ़ महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक अखबार से बातचीत में कहा है कि उन मंत्रियों के इस्तीफे के बाद उच्च जातियों के प्रतिनिधित्व की जरूरत है। फिलहाल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल कांग्रेस के दो मंत्री में एक दलित और दूसरे मुस्लिम है। सियासी जानकारों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कर्नाटक चुनाव परिणाम के बिहार कैबिनेट में पार्टी को मिलने वाली जगह से आश्वस्त हैं। उन्हें उम्मीद है कि ज्यादा जगह मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर भी मेरी सीएम नीतीश कुमार से बात हुई है। जब मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तारिक अनवर और भक्त शरण दास के साथ पहले सीएम से मिला था, चर्चा ये भी की कि कर्नाटक चुनाव परिणाम का असर ये है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बोर्ड के राज्य आयोग और निगम के पदों पर भी नियुक्ति मिलेगी, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल होता है। तो देखिए, एक तरफ कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत और उसका सीधा असर बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है, खासकर नीतीश मंत्रिमंडल में। जी हां, खबर ये है कि नीतीश कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होगा और इस विस्तार को लेकर खास बात ये है कि इसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी की चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय है, आप अपने राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवी टीवी के साथ। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। We'll be right back.